पीपल्स पार्टी का एजेंडा हमेशा जमहूरियत रहा है, वो शहीद भुट्टो से लेके आज तक वो जो हमें ताने दे रहे हैं, मुझे हैरानगी है, वो तो सदा के जमहूरियत को उस तरफ खड़े। पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी जबान बोलती है तारीख में, जब वो तोते की तरह औरों की जबान बोलते थे उस वक्त भी पीपल्स पार्टी अपनी जबान बोलती थी। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जब मेमो स्कैंडल में मियां साहब काला कोट पहन के गए थे, तब भी लोग कहते थे आसिफ जरदारी PhD है, आसिफ जरदारी की सियासत समझने के लिए PhD करने की जरूरत है। जरदारी साहब की जहानत और फतानत से अगर कोई डरा हुआ है तो डरे नहीं, जरदारी साहब सबको साथ ला के चलने और जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं कि हम किसी टेक्नोक्रेट या नेशनल गवर्नमेंट की गुंजाइश नहीं समझते, बिल्कुल आईन के मुताबिक चलेंगे, हालात के तहत उनके वतीरों और रवैयों के तहत उनको जमहूरियत सूट नहीं कर रही, लेकिन हम जमहूरियत के साथ हैं और जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। मुस्लिम लीग इस वक्त इस जमहूरी निजाम को नहीं चलता देखना चाहता। मियां नवाज शरीफ साहब तो फारग हो गए, अगले इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तो डिस्क्वालिफाइड है। ये जो केस चल रहे हैं इनसे बच भी जाए इवन देन नहीं लड़ सकते, वो सारा टबर सियासत से फारग हो जाए और जेलों में जाके बैठे और पैसे भी देने पड़े, ये उनको बारे में आता है। वो चाहते हैं कि अदलिया किसी तरह मुश्तैल हो जाए, इदारे मुश्तैल हो जाए और कोई ऐसा स्टेप हो जाए जिससे गर्द उठे और उस गर्द के अंदर उनको अपनी स्पेस मिल जाए। हमने एक कानूनी निशानदेही की है और गवर्नमेंट की अपनी गलती है, उसके इकरार की बजाय दूसरों पर इल्जाम है कि वो जमहूरियत की किसी और की खेल खेल रहे हैं। पहले सोई रही हुकूमत जब इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा था, और अब अगर हम कह रहे हैं कि कानूनी तकाजे पूरे करो तो कौन सी क्यामत आ जाएगी, कोई डेडलाइन नहीं है 10 नवम्बर की।